नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। क्या पेट्रोल की कीमतों में कटौती करेगी कर्नाटका की बीजेपी सरकार? बोम्बई सरकार ने की बड़ी घोषणा, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की योजना, सीमाएं खुल सकती हैं। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ में स्कूली छात्रा का अपहरण, सामूहिक बलात्कार, दो गिरफ्तार। केरल में भारी बारिश का कहर, अब तक 11 की मौत, एक दर्जन से ज्यादा लापता, आर्मी चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। रामलला के गर्भगृह को सूर्य की किरणों से प्रकाशमय करने की तैयारी। देश भर में मिले 14,146 नए मरीज, अब तक 144 की मौत। क्रिकेटर तो कभी कभी बनाते हैं सेंचुरी, बीजेपी हर रोज करती है ये काम, जयवीर शेरलिंग। सीतारमण ने न्यूयॉर्क में कई प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, मेक इन इंडिया पर हुई चर्चा। अनुच्छेद 370 रद्द करने से जम्मू कश्मीर की समस्या का नहीं हुआ समाधान, मोहन भागवत। लखबीर का अंतिम संस्कार, बीजेपी ने लगाया अपमान का आरोप, कहा परिवार को नहीं करने दिए अंतिम दर्शन। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मारे गए यूपी के सगीर अहमद की पत्नी की पहले ही हो चुकी थी मौत, बच्चों ने मांगा इंसाफ। नेताजी और पटेल के योगदान को वर्षों तक मान्यता नहीं दी गई, अमित शाह का बयान। पाकिस्तान पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत, रामदास अठावले का बड़ा बयान। कश्मीर में आतंकवादियों ने दो गैर स्थानीय लोगों की गोली मारकर हत्या की। दुर्गा पंडालों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दी कड़ी चेतावनी। तालिबान शासन को मान्यता देगा रूस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया बड़ा बयान। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके यात्रियों को 8 नवंबर से प्रवेश की अनुमति देगा अमेरिका। भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ रहे हिंदुओं के दुश्मन, आंकड़ों और घटनाओं से समझिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय अमेरिकी रवि चौधरी को पेंटागन में अहम पद के लिए किया नॉमिनेट। 3 दिन और जेल में रहेंगे आर्यन खान, फुल एक्शन में एनसीबी। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।